മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്താണ് ദസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീന് അമ്പത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറ് Hello everyone, welcome back to my channel. Recently I had been to Kerala on my first anniversary for 4 nights, 2 in Munnar, 1 in Thekkady and 1 in Alleppey. So ye pura vlog us pe hi hone wala hai. So let's get started. So hamari early morning flight thi from Mumbai to Kochi around 6 o'clock and 8 o'clock we landed in Kochi. कोची एयरपोर्ट से पहले हमें मुन्नार जाना था विच इज़ अराउंड 5 आवर्स ड्राइव. तो रास्ते में हमने एलिफेंट राइड, स्पाइस गार्डन, अम्यूजमेंट पार्क और जिप लाइनिंग किया जो आगे इस वीडियो में है. अर्जेंटीना तो कल जीत गया मैच. फॉर एलिफेंट राइड देखते हैं कैसे हम स्पाइस गार्डन गए. वहाँ हमने दालचीनी, इलायची, काले मिर्च, बहुत तरह, 4-5 तरह की तुलसी, अफ्रीकन धनिया पत्ता, कोकोआ प्लांट और भी बहुत सारे प्लांट जिनका मेडिसिनल बेनिफिट है वो सारे देखे. इंडिगो के साथ बालों के लिए तेल बनना नहीं होता. सबसे बढ़िया कैसा कश्मीर ये पानी में डाल के रखे उसका ऊपर का छीका निकाल के सुखा दो. वाइट पेपर मिला सफेद मिर्च रूट. एक ही काम करना इसके ऊपर जो कांटा रहता है छोटा सा वो कांटा रिमूव करना चाहिए मेडिसिन बनने के टाइम. सिवे कांटा थोड़ा पॉइजन है जो हाथ में लग जाएगा ना जो 24 आवर पे चमकता है थोड़ा सा देखा ना. ये ज्यादा सनलाइट मिलेगा तो देखो उसके पीछे पर्पल कलर है पता का पीछे देखा ना. 70 तक सीड्स रहेगा बादाम की तरह. वो सीड का ऊपर व्हाइट कलर पल्प रहता है वो पल्प से कोको बटर बनता है जाता कैट विस्कर होता है विस्कर. या मेन्यू में ये चिकन मंथी मंथी मतलब बस चावल और राइस बिरयानी काइंड ऑफ तो बाकी नॉर्मल. गार्लिक चिकन ऑर्डर किया है और तो ऑर्डर किया मालाबार पकौड़ा. ये हमने गार्लिक चिकन ऑर्डर किया एंड ये मालाबार पकौड़ा. फिर नेक्स्ट हम जिप लाइनिंग के लिए रुके और ये बेस्ट पार्ट था इस ट्रिप का. हाँ അതാ മോളുണ്ട് മോളായിരിക്കും. നീ അവിടെ ചെന്നൊന്ന് ബെല്ലടിച്ചോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. ശരി ശരി
और फिर लास्ट में हम अम्यूजमेंट पार्क गए। ये डे वन का लास्ट एक्टिविटी था। शहीदों की फोटो लगा रखी है साइड में। स्क्विड गेम नहीं था? हाँ वैसे ही। इधर है इधर। वाह कितना सुंदर है। हाँ आप कर लेते हो पहले। अच्छा बहुत सही था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी एंड बस उस दिन बारिश हुई थी। सो ये चार पांच एक्टिविटीज़ करने के बाद डे वन पे हमने अराउंड 6:30 to 7 PM होटल में चेक इन किया। हमने टी वैली रिजॉर्ट बुक किया था, ये पैकेज में ही इंक्लूडेड था। पैकेज की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। This is the balcony area. अभी तो बारिश हो रही है।